लगे हुए थे, जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है और जो तैयारियां की जानी है उसके लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा जो हमारा मद्य निषेध की नीति है उसके संदर्भ में भी बैठक आयोजित हुआ और भूमि विवाद के संदर्भ में जो थाना स्तर पर शनिवार को थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी की संयुक्त बैठक होती है और अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर जो संयुक्त बैठक होती है उसकी प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए। सर, थाना में अक्सर देखा जाता है कि FIR लेने में कानाकानी की जाती है, इस तरह की समस्या भूमि विवाद में आ रही है। नहीं, FIR लेने में कहीं भी कोई आनाकानी नहीं होगी, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। और अगर किसी को थाना स्तर पे FIR में कठिनाई है तो इसके लिए CRPC में स्पष्ट प्रावधान है, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, निबंधित डाक के माध्यम से सीधे SSP को आवेदन दे करके FIR के लिए अनुरोध कर सकते हैं और उसके बाद वो चाहें तो कंप्लेंट केस भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे दुर्गा इन सब त्योहारों को लेकर चर्चा हुई विधि व्यवस्था के संधारण के संबंध में, उसके अलावा जो लैंड डिस्प्यूट्स हर शनिवार को थाना और अंचल स्तर पर देखा जाता है उसको लेकर जहाँ जहाँ प्रेडेंसी है कोई विशेष मामला को हम लोग के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ उस पर चर्चा हुई और अंत में मद्य निषेध से संबंधित, उसके अनुपालन से संबंधित जो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में सैनिटाइज किया गया अफसरों को और विनष्टीकरण अधिकरण के प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए। जी सर, रामनवमी के दिन जो रूट चार्ट बनेगा किस रूट से क्या आना है उसमें क्या बदलाव ला रहे हैं सर? रामनवमी के दिन जो पूर्व से जो भी लाइसेंसधारी है जिस रास्ते से जाते थे वो प्रोसेशन लेकर जाते थे, रूट्स वही रहेंगे, वही निर्देशित किया गया सबको कि रूट्स में कोई बदलाव नहीं होगा किसी भी सूरत में। अगर कोई ऐसा कारण आ जाता है, कोई नया कंस्ट्रक्शन उस रास्ते में हो गया हो जिसके कारण से परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है तो उसको संबंधित SDP और SGO संयुक्त रूप से जांच कर लेंगे, देख लेंगे, सेटिस्फाई हो लेंगे कि कोई ऐसा स्थान नहीं पड़ता हो जो कि विवाद का कारण हो सके और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके पश्चात ही उस नए रूट का लाइसेंस दिया जाएगा, अन्यथा जो पहले से रूट चले आ रहे थे वैसे रहेंगे। ट्रैफिक को लेकर उसको स्टडी कर रहे हैं ट्रैफिक DSP और सदर SDPO, जो भी डाइवर्जन हम लोग को करना होगा उसकी हम लोग को पहले से सूचना होगा। सर, इस तरह का जो माहौल होता है इसमें रूमर्स बहुत काम करते हैं और सामाजिक तत्व रूमर्स बहुत फैलाते हैं जिससे प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे असामाजिक तत्व जो रूमर्स फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हर ज़िला में बिहार में एक साइबर सेल मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ गठित है जो कि सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करता है और साइबर सेनानी ग्रुप्स भी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सभी थाना अंचल और SDPO के लेवल पे। साथ में आप लोग भी हैं जो हम लोग को सूचना देते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में, ये इसमें स्ट्रिक्ट हम लोग की कार्रवाई होती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई सूचना फैलाता है जो दो संप्रदाय या दो समुदाय के बीच में सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम कर सकता है उस पर हम लोग तत्काल FIR करके उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, आप पूरी जनता से अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी पोस्ट आपके संज्ञान में आता है तो वो ग्रुप में शेयर ना करके कृपया हमारे पर्सनल नंबर पे, हमारे हो, अपने थाना प्रभारी के हों, SDPO के हों, DM सर के हों, तो पर्सनल नंबर पे आप भेजेंगे तो उस पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ग्रुप पे भेजने से फिर उस पोस्ट को और फैलाया जा सकता है और उसमें कौन फैलाएगा फिर हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई जानकारी मिलती है तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना।